प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन। बिहार के सियासी गलियारे से इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। हर खेमा अपने अपने बयानों को लेकर आगे आ रहा है, और इस समय एक बड़ी खबर जो सियासी गलियारे से आ रही है वो राजद के तरफ से है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। जगदानंद सिंह ने आज बयान दिया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो जातिगत जनगणना को लेकर यदि आगे बढ़ते हैं, उस तरफ यदि कदम उठाते हैं, तो राजद उनका साथ देगी। और इस समय उन्होंने इशारे में इस बयान में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि यदि जातिगत जनगणना को लेकर सीएम आगे स्टैंड करते हैं तो आरजेडी उनका साथ देगी। और उन्होंने इस समय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश दिया, यह भी कहा है कि यदि उनके साथ कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, इस तरफ यदि रोड़ा बनते हैं, तो उन पर कार्रवाई करें, उन पर एक्शन लें। बता दें कि अभी एनडीए की सरकार है और राजद जो है वो अभी मुख्य विपक्ष में है। आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह ने यह तक कह दिया कि यदि एक्शन लेने के बाद सरकार में किसी तरह की यदि परिस्थिति ऐसी आती है कि सरकार में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे का कोई गणित दिखता है, तो सरकार पर आंच नहीं आएगी, आरजेडी उसके लिए भी तैयार है। सियासत में बयान जो है, बयानबाजी जो होती है, उसका एक मतलब होता है। और जगदानंद सिंह जैसे नेता इस समय यदि ये बयान देते हैं कि आप जातिगत जनगणना में यदि पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर किसी भी तरह का, आपके गठबंधन में एक तरह से वो समझाना चाह रहे थे कि यदि इस तरह की परिस्थिति भी आ जाती है तो उस समय आरजेडी आपका साथ देगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं कि आरजेडी आपके साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। हालांकि उन्होंने खुलकर इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे में वो यही कुछ कह गए हैं, जिसके बाद सियासत में पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण से जो है वो संदेश बाहर निकला है। और अब एक नई गणित जो है वो लोगों के बीच सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के अंदर अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, बीजेपी ने केंद्र में स्पष्ट कर दिया है कि अभी जातिगत जनगणना को लेकर के वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, साफ शब्दों में कह दिया है। वहीं जदयू लगातार इस मामले को लेकर लीड ले रहा है कि नहीं, जातिगत जनगणना होना ही चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और उन्होंने साफ शब्दों में, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह बयान दिया था कि ये यदि साजिश की जाएगी इस तरह की तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। जातिगत जनगणना को लेकर के जदयू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और अब आरजेडी के तरफ से ये जब खुलकर कहा जा रहा है कि वो इन मुद्दों पर जो है सीएम आगे बढ़े, आरजेडी उनके साथ खड़ी है, राज्य हित का मामला यदि है तो राजद बिल्कुल साथ रहेगी, और जो भी इसमें बीच में आते हैं तो उनको आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, यदि सरकार में की गणित में कुछ हेर फेर होता है तो भी आरजेडी सरकार को स्थिर रखेगी और स्थिर नहीं होने देगी। तो अब देखते हैं कि इस बयानबाजी के बाद किस तरह से सियासी गलियारे में, सियासत में किस तरह बिहार में ये एक नया जो है वो अध्याय, नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में
आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग आए संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की शुरुआत नहीं हो पाई। इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के सामने क्या ऑप्शन है वो जाने, डबल इंजन है, सभी दल तैयार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो चार दलों का मिली जुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। तकनीकी बात कर रहा और जो सरकार का नेतृत्व तो करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे ये मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी जो आपकी सलाह जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है आप उनको हटाइए। आप जरा भी संकोच मत करिए, इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबके सामने लिया कि जनता के सामने रख रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे, विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन का समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही करना हो। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।